पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था कि किस प्रकार से आप किसी भी फाइल फोल्डर वीडियो या इमेज कुछ भी हो तो किस प्रकार से आप कमांड की मदद से हाइड कर सकते हैं यानी छुपा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी फाइल हो फोल्डर हो वीडियो कुछ भी हो जो छुपाया था फाइल पिछले वीडियो में छुपाया था उसको कैसे आप शो करा सकते हैं यानी अनहाइड कर सकते हैं। इसके बारे में आज बात करेंगे कि किस प्रकार से आप कमांड की मदद से किसी भी छुपा हुआ फाइल यानी कि शो करा सकते हैं दिखा सकते हैं जहां भी आपका फोल्डर हो इमेज हो वीडियो कुछ भी हो। तो चलिए अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। दिखा देते हैं वीडियोज के फोल्डर में जाकर के, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो फोल्डर है जो कि रिकॉर्डिंग फोल्डर जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी फाइल यहाँ पे शो करा रहा है। चले हम रिफ्रेश कर रन कमांड ओपन कर लेते हैं। विंडो प्लस आर के अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे CMD और ओके कर देंगे या एंटर करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। एंटर करेंगे CD स्पेस वीडियो, क्योंकि हमको वीडियोज के अंदर एक सब फोल्डर था ऑडियो उसको छुपाया था पिछले वीडियो में, तो इसलिए यहाँ पर फिर हम टाइप करेंगे CD स्पेस वीडियोज देंगे। वीडियोज टाइप कर लिया, वीडियोज इसलिए टाइप किया है क्योंकि मेरा जो ऑडियो फाइल सब फोल्डर वीडियोज के अंडर है, यानी कि हम वीडियो अब एंटर प्रेस करेंगे तो हम वीडियोज के अंदर में चले जाएंगे। अब वीडियोज के अंदर में हम कुछ भी कर सकते हैं, तो चलिए अब हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हम वीडियोज के अंदर चले हैं। अब यहाँ पर टाइप करेंगे एट्रिब यानी कि AttribeE, क्या एट्रिब AttribeE एट्रिब स्पेस माइनस एच यानी कि माइनस का चीज देंगे, एच लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर माइनस, फिर उसके बाद एस टाइप करेंगे माइनस एस, याद रहे दोस्तों कि स्पेस माइनस एस, फिर उसके बाद स्पेस माइनस आर और उसके बाद फिर हम स्पेस टाइप करेंगे। स्पेस टाइप करने का अब हम पिछले वीडियो में ऑडियो का हाइड किया था, इस वीडियो में हमको ऑडियो को शो करना है तो अब यहाँ पर टाइप करेंगे ऑडियो। चलिए हम ऑडियो को टाइप करते हैं। ऑडियो टाइप करने का था हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे ऑडियो की फाइल शो हो जाएगी। देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो फोल्डर था पहले से रिकॉर्डिंग वाले, अब यहाँ पे तीसरा आ चुका है जो कि एक फोल्डर है, दो फाइल थी और एक फोल्डर है। यहाँ पे भी हम जूम करके दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन में, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। जूम करने का था आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तीन फाइल आ चुके जो कि दो रिकॉर्डिंग फाइल है और एक फाइल है ऑडियो की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं यानी कि हाइड किया हुआ फोल्डर को शो करा सकते हैं यानी अनहाइड। अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे कि किस तरह से आप हाइड करते हैं उसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सारे वीडियो के लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो का आई बटन में दे दूंगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।